हैदराबाद के लंगर हाउस दरगाह पर बीते दिनों हुए झड़प में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित आजम कुछ दिन पहले दरगाह पर गया था, वहीं उसकी झड़प 3 लोगों से हो गई। तीनों आरोपियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें आजम गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। अगस्त महीने 11 तारीख के दिन आजम बोलके हमारा लंगरोज अहमद कॉलोनी में रहता, उन्होंने दरगाह में आए थे। वही टाइम पे ये अली बिन अहमद और मुस्तफ़ा साले और इमरान उसका दोस्त था, चार पूरा और एक दो पूरा 6 आदमी दरगाह में आए थे। उन लोग आने के बाद ये पूरा वहाँ पे वो दवा सच वगैरह डालते ना, वो उसके लिए आए थे। वो टाइम पे ये तीनों एक फैमिली को ऐसा छेड़ रहे थे। वो छेड़ रहे से टाइम पे वो आजम कुरैशी जो हमारे कंप्लेंट है उनको ऐसा कर रहे बोल के मना करे, तो उन लोग और दोस्तों को फोन पे बुला लेके उनको बहुत मारे तो उनका नाक भी थुड़ गया पूरा मारे। तो वो वीडियो फुटेज है, उसमें हम वो आजम कुरैशी का कंप्लेंट देखे, क्राइम नंबर 253 ऑफ 2017 अंडर सेक्शन 324 एंड रेड विथ 34 IPC ये अगेंस्ट ये 6 आदमी के ऊपर केस करे थे। उसमें एक ही आदमी घटा था अली बिन अहमद, वो उस रात में फिर उनको लाने के बाद पूरा दोस्तों के नाम बोले। नेक्स्ट डे दो बच्चे आया और ये मोहम्मद बिन साले और इरफान खान, ये आने के बाद इन लोगों को इंक्वायरी करने के बाद उनका बड़े लोग अभी आए। आने के बाद हम 41 SRPs देखे, बाकी लोगों को अरेस्ट करने के लिए टाइम दे दिया उनको। 41 SRPs देने के बाद आज क्या करा, वो तीनों बच्चा भी आज फिर आया पुलिस स्टेशन को। 1 o'clock फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद उन लोगों को हम अरेस्ट कस्टडी में ले लिए। उन लोग बाकी और 3 आदमी अब्सकॉन्डिंग है, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों ऐसा फोन पे बुला के गैदरिंग करके ये बच्चे को आजम कुरैश को बहुत मारे। मारने के बाद दोस्तों भी पकड़े तो भी भाग गया। अभी केस इन्वेस्टिगेशन में तीनों को आज सरेंडर होने के बाद भी हम उन लोगों का वर्सेज से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बाकी 3 और अब्सकॉन्डिंग बता के इन लोगों कल कोर्ट में पेश करना चाह रहे हैं। टोटल कितने जने? 6 आदमी है अंदाजा। 6 आदमी तो कितने जने पकड़े सर? 3 आदमी आज ही उन लोगों सरेंडर हो गए। अब हम लोग उन लोगों का अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऑडिशन ऐसा कुछ सर? तो अली बिन अहमद का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई करने का, उनका तो एडवर्स नोटिस बहुत है, वो काला पत्थर लिमिट्स में रहते, उन लोगों का और वेरीफाई करने का है। हैदराबाद से मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट।